अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बघारा खाना। उसके लिए हमें चाहिए दो डली प्याज। वो दो डली प्याज को आप ऐसे पैन में ऐड कर लें दो पल्ली तेल के साथ। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और लगेंगे। ऐसा जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे ये है, ये पुदीना, कोथमीर, करी पाक और हरी मिर्ची। इसे अच्छे से वॉश कर लें और इसे बारीक बारीक कट कर लें। लौंग, दालचीनी, शाहजीरा, इलायची और नमक स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब प्याज को इसमें हल्की ब्राउन कर लें। अब इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप। नेक्स्ट इसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें वन बाय वन। शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, नमक स्वाद अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आप हरा मसाला डालें जिसको अच्छे से हमने वॉश करके ऑलरेडी रखा था, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। 10-20 सेकेंड्स के लिए छोड़ दें, इसे लाल भून लें। ये इंग्रेडिएंट को अच्छे से लाल भून लें। लाल भूनने से हमारा बघारा खाना भी बादामी कलर का होगा। नाउ रेडी। अब हम इसमें एक जग पानी ऐड करेंगे। वन जग पानी इसलिए ऐड करें क्योंकि हमारे पास 1 kg राइस है। ओके, देखिए हमारा पानी रेडी है, पानी खोल रहा है। अब इसमें हम जो भिगा के रखे थे वो चावल को ऐड करेंगे। ओके, देखिए हमने चावल को ऐड कर लिया। अब इसे 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दें ताकि वो सारा पानी ऑब्जर्व कर ले। फिर हमारा बघारा खाना रेडी हो जाएगा। ये हमारा बघारा खाना रेडी हो गया, रेडी टू सर्व। ये देखिए हमारा फाइनल लुक बघारे खाने का। वाओ, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। इसे आप गरम गरम सर्व करें दालचे के साथ, बहुत टेस्टी बना है। एक बार आप जरूर ट्राई करें और इसे आप दालचे के साथ खाएं। अगर आप दालचे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो को चेक करें। ओके, इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। बाय बाय।